हे गाइस, वेलकम बैक। और आपको पता है एनवायरनमेंट का कोर्स चल रहा है, उसके अंदर ये पार्ट फोर है हमारा। और बायोडायवर्सिटी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके, कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में, सीबीडी हमने देखा, नगोया प्रोटोकॉल देखा। उसके अलावा ये हम आईची जो बायोडायवर्सिटी टारगेट्स हैं, ये कब तक, कब कब से कब तक रखे गए थे, 2011 से 20 तक, तो इनके बारे में देख लेते क्या क्या टारगेट्स थे। एक्चुअली कोई भी टारगेट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझना है कि किस तरह के टारगेट थे, तो उससे जो है प्रीलिम का क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो जाएगा। और मेन्स में भी अगर 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इतने पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टारगेट्स दिए गए हैं, इतना आप याद नहीं कर सकते। तो याद नहीं करना है, सिर्फ ये सबसे बड़ी पहली चीज याद रखनी, आईची जो है ये टारगेट्स किसके लिए हैं, बायोडायवर्सिटी के प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, सस्टेनेबल यूज के लिए, राइट। चलिए देखिए, सॉरी, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेटेजिक गोल ए। गोल ए में क्या कहते हैं, एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस बाय मेंटेनिंग मेन स्ट्रीमिंग बायोडायवर्सिटी अक्रॉस द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। वही कहते हैं कि पहले, सबसे पहले कॉज समझने हमें कि बायोडायवर्सिटी किस लिए लॉस हो रही है, किस लिए खत्म हो रही है, ठीक है, और गवर्नमेंट और सोसाइटी को कैसे जो है यूज करके बायोडायवर्सिटी को बचाया जा सकता है। देखिए कुछ टारगेट दिए हैं, मैं आपको जस्ट हल्का हल्का बताऊंगा इसके बारे में। ये कहते हैं जैसे एक टारगेट है गोल ए के अंदर कि 2020 तक एट द लेटेस्ट पीपल आर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ बायोडायवर्सिटी, यानी कि 2020 तक लोग अवेयर हो जाए कि बायोडायवर्सिटी की क्या वैल्यू है। स्टेप्स दे कैन टेक्स टू कंजर्व एंड यूज इज सस्टेनेबली, जो कैसे उसको कंजर्व करें और कैसे उसको यूज करें सस्टेनेबली। इसके बाद कहते हैं और 2020 तक सारे टारगेट देखिए मोस्टली 2020 तक ही कंप्लीट करने हैं, कुछ टारगेट है जो 2015 तक भी करने हैं, तो एक एक देखते रहेंगे। देखिए दूसरा टारगेट है गोल ए का ही, ये कहता है एट द लेटेस्ट बायोडायवर्सिटी वैल्यू हैज बीन इंटीग्रेटेड इन नेशनल एंड लोकल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटेजी, यानी कि जो बायोडायवर्सिटी है उसकी वैल्यू को जो है इंटीग्रेट करने की जरूरत है नेशनल और लोकल डेवलपमेंट के अंदर, पॉवर्टी रिडक्शन के अंदर, प्लानिंग प्रोसेस के अंदर, राइट, और एक तरह से नेशनल अकाउंटिंग भी बनानी है इसकी, ठीक है, जिसमें अप्रोप्रिएट और रिपोर्टिंग सिस्टम जो है प्रॉपरली हो और पता चले कि बायोडायवर्सिटी कितनी लॉस हो रही है, क्यों लॉस हो रही है, और कैसे हम नेशनली एक ऐसी स्ट्रेटेजी या प्लानिंग बना सकते हैं कि ताकि उसको कंजर्व और सस्टेनेबली यूज किया जा सके। इसके बाद कहते हैं कुछ लेटेस्ट इंसेंटिव्स इंक्लूडिंग सब्सिडीज वगैरह देना लोगों को, ताकि जो है हार्मफुल जो बायोडायवर्सिटी हार्म हो रहा है वो हार्म बंद हो जाए, फेज आउट और रिफॉर्म इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द अवॉइड नेगेटिव इंपैक्ट, जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसको कम किया जा सके, पॉजिटिव इंसेंटिव दिया जा सके जिससे कंजर्वेशन हो, सस्टेनेबल यूज हो बायोडायवर्सिटी का, राइट, तो वही सब चीजें बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए पहले ही गोल में ये इतना भी आप याद रखेंगे तो इतना ही बहुत है, इसकी चीज़ों को जो है अंदर जो है और स्पेसिफाई किया, सिर्फ यहाँ पे यही है कि बायोडायवर्सिटी के लॉस को कम करना और किसकी मदद से, गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों को जो है काम करना है। तो कहीं पे बता रहे हैं गवर्नमेंट को, कहीं पे बता रहे हैं लोगों को इंटीग्रेटेड करके और नेशनल प्लानिंग को इंटीग्रेट करके किस तरह जो है बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है। इसके अलावा बोलते हैं गवर्नमेंट बिजनेस एंड स्टेक होल्डर और लेवल हैव टेकन स्टेप टू अचीव और हैव इंप्लीमेंटेड प्लान टू सस्टेनेबल प्रोडक्शन, और कैसे जो है इस तरह के जो सस्टेनेबल जो प्रोडक्शन की गई है, कंजम्पशन की गई है, कैसे गवर्नमेंट और सभी स्टेक होल्डर मिलकर काम करें 2020 तक, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, गोल का पार्ट है। गोल नंबर टू है रिडक्शन द डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडायवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज, चीज वही है, बार बार वही यूज होगी, लेकिन इसमें जो है स्टेक होल्डर्स डिफरेंट डिफरेंट बताएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट यूज जो है उसको, डायरेक्ट प्रेशर जो पड़ रहा है बायोडायवर्सिटी पे उसको कम करने का है। देखिए कैसे करेंगे, ये कह रहे हैं एक पार्ट इसमें है, देखिए 20 ये आईची बायोडायवर्सिटी टारगेट है, 20 टारगेट है, ठीक है, 2011 से 2020 तक है तो 20 ही टारगेट है, ये भी याद रखिए। फिफ्थ नंबर टारगेट है गोल बी के अंदर, ये कहता है द रेट ऑफ लॉस ऑफ ऑल नेचुरल हैबिटेट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट इज एटलीस्ट हाफ एंड वेयर द फिजिबल ब्रॉड क्लोज टू जीरो, यानी कि जहां पे फॉरेस्ट लॉस हो रहा है उसको कम करना है, आधा करना है, कहीं पे जीरो करना है, डिग्रेडेशन हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, उसको भी रिड्यूस करना है, फॉरेस्ट वगैरह जहां पे कटिंग हो रही है। इसके अलावा कहते हैं फिश एंड इनवर्टिब्रेट स्टॉक एंड एक्वेटिक प्लांट्स आर मैनेज्ड एंड हार्वेस्ट सस्टेनेबली, जहां पे फिश को ज्यादा ओवर यूज किया जा रहा है, इलीगली यूज किया जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करना और लीगली उसको ऐसे हार्वेस्ट करना ताकि सस्टेनेबल उसका यूज हो, ओवर फिशिंग ना हो, राइट। इसके अलावा सेवंथ बताते हैं, देखिए ये कहते हैं कि बाय 2020 एरिया अंडर एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आर मैनेज टू बी सस्टेनेबली एंश्योरिंग कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी, वही फिर फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट एरिया बढ़ाना है, एग्रीकल्चर जो एक्वाकल्चर है उसका एरिया बढ़ाना है, उसको सस्टेनेबली यूज करना है, पॉल्यूशन जो है उसको रिड्यूस करना है, और जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स आ गए पानी के अंदर, जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स चले गए उसको कम करना है, ठीक है, ताकि जो इकोसिस्टम को पूरे को खराब ना करे। इसके अलावा इन्वेसिव एलियन स्पीसीज जो है, जो आगे उनको भी खत्म करने की बात है, ठीक है, जो स्पीसीज जो है
कंट्रोल की गई है, प्रायोरिटी जो स्पीसीज है उनको कंट्रोल करना है, इरेडिकेट करना है, ठीक है, वही सब बातें बातें बार बार बताई जा रही है। इसके अलावा और क्या करना है, ये 2015 तक का एक टारगेट था, ठीक है, 2015 तक का ये टारगेट था। द मल्टीपल एंथ्रोपोजिकल एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर, यानी कि जो इंसानों के द्वारा जो प्रेशर कोरल रीफ के ऊपर जा रहा है, जैसे अभी रिसेंट क्या हुआ है, कोरल रीफ को देखते हुए रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ठीक है, पलाऊ रिपब्लिक जो है वहां पे सनस्क्रीन लोशन को बंद कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि वहां उससे जो है जो कोरल रीफ हमारी होती है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। इसके अलावा जो कह रहे हैं जो और भी खतरे में जो इकोसिस्टम का ऐसी चीज जो क्लाइमेट चेंज से है, ओशन एसिडिफिकेशन से जो है इंपैक्ट पड़ रहा है इकोसिस्टम पे, उसको भी मिनिमाइज करने की बात है। देखिए याद कोई नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको देखना है कि क्या क्या चीजें बोली गई, ताकि आपको अगर पूछ भी लिया जाए, मेन्स में पूछा जाए, तो आप इतने 10 पॉइंट्स इसमें लिख सके, 20 नहीं है तो आप 10 पॉइंट्स ही लिख सके, या प्रीलिम में पूछा जाए तो आपको पता हो किस तरह के टारगेट्स थे बायोडायवर्सिटी के, यानी कि एक दिमाग में थोड़ा सा भी पता होगा तो आप आंसर ठीक कर लेंगे। गोल सी में क्या है, देखिए इसमें है टू इंप्रूव द स्टेट ऑफ बायोडायवर्सिटी बाय सेफगार्डिंग इकोसिस्टम स्पीसीज एंड जेनेटिक डायवर्सिटी। वही है जो तीन तरह की डायवर्सिटी हमने पढ़ी है, इकोसिस्टम, स्पीसीज और जेनेटिक, उनको जो है उनके स्टेटस को इंप्रूव करना, सेफगार्ड करना। ये कह रहे हैं कि देखिए 2020 तक एटलीस्ट 17% ऑफ टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर एंड 10% कोस्टल एंड मरीन एरिया स्पेशली एरिया ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस आर कंजर्व्ड। यानी कि करीबन 17% एरिया जो इनलैंड वाटर है और 10% जो कोस्टल वाटर है, मरीन एरिया है, उसको जो है उस पर जो उसके ऊपर जो बायोडायवर्सिटी है उसको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट जो प्रॉपरली जो है इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना, इक्विटेबली मैनेज करना, ठीक है, वही सब बात कही है। 2020 तक क्या है, द एक्सटेंशन ऑफ नॉन थ्रेटन्ड स्पीसीज हैज बीन प्रिवेंटेड, यानी कि जो ऐसी स्पीसीज जो खत्म होने वाली है उनको भी प्रिवेंट करना है कि वो खत्म ना हो। इसके अलावा गोल डी में क्या आता है, स्ट्रेटेजी गोल डी, देखिए 12-13 हम डिस्कस कर चुके हैं, वही चीजें इसमें भी यही है, कुछ खास नहीं दिया है। कल्चरल वैल्यू स्पीसीज है, इकोनॉमिकली वैल्यू है, उनको जो है डोमेस्टिक एनिमल है, फार्मिंग है, तो वो सब सोशियो इकोनॉमिक जो है मेंटेन करना, प्रॉपरली मिनिमाइज करना, जेनेटिक इरोजन कम हो, जेनेटिक डायवर्सिटी को प्रिजर्व किया जा सके, कुछ ये देखिए। उसके बाद स्ट्रेटेजिक गोल डी है, एनहेंस द बेनिफिट ऑफ ऑल फ्रॉम बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, यानी कि करना है सभी को बेनिफिट मिले बायोडायवर्सिटी का, इकोसिस्टम सर्विस का, तो ये भी एक गोल था जो हमारी सीबीडी था, उसका थर्ड गोल यही था। तो ये कह रहे 2020 तक जो है इकोसिस्टम वुड प्रोवाइड ऑल एसेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग सर्विस रिलेटेड टू वाटर एंड कंट्रीब्यूट टू हेल्थ, जो हेल्थ और वाटर से जो कंट्रीब्यूट करता है उसको भी कंजर्व करना है, लाइवलीहुड जो है वेल बीइंग रिस्टोर्ड एंड सेफगार्ड टेकिंग इनटू अकाउंट नीड ऑफ वुमेन की नीड, इंडिजिनस लोग है, लोकल कम्युनिटी है, पुअर जो वनरेबल है उनकी जो नीड है, पानी की नीड, हेल्थ की नीड, वो सब भी पूरी करनी चाहिए। इसके अलावा 2020 तक और क्या टारगेट है, इकोसिस्टम रेजिलियंट एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोडायवर्सिटी टू कार्बन स्टॉक हैज बीन एनहेंस्ड, ठीक है, 2020 तक ये भी टारगेट है कि कार्बन स्टॉक को बढ़ाया जाए, उसको कंजर्व किया जाए, रिस्टोर किया जाए, और कम से कम जो 15% डिग्रेडेशन हो रहा है, जो हो रहा है वो खत्म किया जा सके, राइट। उसके बाद 2015 तक एक नगोया प्रोटोकॉल के तहत ये बोल रहे हैं, द नगोया प्रोटोकॉल ऑन द एक्सेस टू द जेनेटिक रिसोर्स एंड फेयर इक्विटेबल रिसोर्स शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, ठीक है, वही चीज़ है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। गोल नंबर ई है, देखिए गोल नंबर ई में क्या बोलते हैं, एनहेंस द इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेशन प्लानिंग नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, वही चीज़ है कि जो इम्प्लीमेंट करेंगे इन चीज़ों को तो हम पार्टिसिपेटरी वे से करेंगे, सबको पार्टिसिपेट करेंगे, प्लानिंग में लेके आएंगे, सबको नॉलेज दी जाएगी, नॉलेज मैनेजमेंट होगा और कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, जिनकी कैपेसिटी नहीं है उसको कैपेसिटी जो है इस तरह की दी जाएगी ताकि वो है प्रॉपरली उसको इंप्लीमेंट कर सके। और क्या टारगेट है, देखिए 17 का टारगेट ये बता रहे हैं, 17 नंबर का टारगेट में वही है, बार बार वही चीज़ बोली हुई है जो इफेक्टिव पार्टिसिपेटरी प्लानिंग है, और 18वें टारगेट में बोला है ट्रेडिशनल नॉलेज है, इनोवेशन है, और जो प्रैक्टिसेज हैं इंडिजेनस और जो लोकल कम्युनिटी की उनको कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज करें बायोडायवर्सिटी का, और कस्टमरी जो यूजेज है बायोलॉजिकल सोर्सेज का उसको भी नेशनल लेजिस्लेचर के अंदर लेके आना। क्वेश्चन नंबर ये देखिए पार्ट नंबर 19 है, ये बोलते हैं नॉलेज द साइंस बेस एंड द टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड टू बायोडायवर्सिटी, इट्स वैल्यू, फंक्शनिंग स्टेटस एंड ट्रेंड एंड कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ इट्स लॉस आर इंप्रूव्ड वाइडली, और ये भी कह रहे हैं कि ये भी इंप्रूव हुआ है काफ़ी कुछ 2020 तक अगर देखा जाए तो, और आगे आगे होता भी जाएगा, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो बायोडायवर्सिटी का जो है बेस बढ़ाया जा रहा है, वैल्यू जो है इंक्रीज की जा रही है, स्टेटस को इंक्रीज किया जा रहा है, ट्रेंड्स को जो है इसके थ्रू तो जो लॉस हो रहे थे उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। और 20वां टारगेट में भी ये बोलते हैं एट द लेटेस्ट, यानी कि जल्द से जल्द ये कोशिश की जाएगी मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है लगाया जाए ताकि स्ट्रेटेजिक प्लान जो है 2011 से 20 तक का उसको जो है प्रॉपरली
पूरा किया जा सके, ठीक है। तो वही सब चीजें बार बार डिफाइन की है। तो ऐच्छिक टारगेट के अंदर ये देख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ, 6 तरह के गोल हैं, स्ट्रेटेजिक गोल, और उनके अंदर कुछ पॉइंट्स दिए गए। मेजर क्या है, 3 ही जो सीबीडी के गोल थे उन्हीं को जो है बार बार रिट्रेट किया गया है, कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज करना, और उसका बेनिफिट सभी को जाए, इक्वल बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है, इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फेयर एंड इक्विटेबल, ठीक है। तो वही चीज बार बार रिपीट की गई है। इस पार्ट में इतना ही है, नेक्स्ट पार्ट में फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे। मैं बता भी देता हूँ कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा टॉपिक डिस्कस, ये तो सिंपल टॉपिक था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के बारे में, ठीक है, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के बारे में देखेंगे। इसके अलावा एक दो टॉपिक जैसे वियना कन्वेंशन, इस अलग पार्ट में देखेंगे कल हम, और उसके अलावा इंडियन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए वियना कन्वेंशन आई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, इस पर क्वेश्चन आ भी चुका है, और अभी इसका काफी बेनिफिट है। इस पार्ट को भी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर इस पार्ट में इतना ही था, जो सीबीडी का पार्ट था ये, नेक्स्ट पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे, कल उसकी जो वीडियो आएगी, ठीक है। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर प्रीसियस टाइम। देखिए थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूँ, एक पार्ट थोड़ा सा और रह गया इसमें, जो सीओपी जो अभी 11 हुई थी हैदराबाद के अंदर, राइट, जो ये हैदराबाद के अंदर सीओपी 11 हुई, और कब हुई ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो सीओपी है 2012 में हुई थी, ठीक है, और इसमें कुछ टारगेट लिए गए थे। सीओपी हैदराबाद के अंदर हुई थी, बायोडायवर्सिटी से रिगार्डिंग। ये कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ सीओपी इज कमिटमेंट ऑफ द पार्टीज टू डबल द इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लो, ठीक है। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्लो है, यानी कि पैसे का जो फ्लो है, उसको डबल करने की बात हुई थी सीओपी जो हैदराबाद के अंदर हुई थी, कब तक, 2015 तक। और कुछ टारगेट्स भी इसमें दिए थे, दिस विल ट्रांसलेट इंटू एडिशनल फाइनेंशियल फ्लो टू द डेवलपिंग कंट्रीज इन ट्यून ऑफ US $30 बिलियन। 30 बिलियन डॉलर जो है, यानी कि ये करीबन कहते हैं 1,50,000 करोड़ जो है अगले आने वाले 8 साल में, बात हुई थी कि 2012 में हैदराबाद हुआ, यानी कि 2020 तक, यानी कि करीबन 1,50,000 करोड़ का जो है और अमाउंट देनी थी जो डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि जो है बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, ठीक है। तो इस सीओपी जो है, इसके अंदर यही बात हुई, फाइनेंशियल जो नीड है डेवलपिंग कंट्रीज को, उनको बढ़ाने की। इसमें कहते हैं इंडिया हैज कमिटेड, इंडिया ने भी कमिट किया कि जो 50 मिलियन जो है डॉलर जो ये स्ट्रेंदन यूज किए जाएंगे, स्ट्रेंदन द इंस्टीट्यूशनल मैकेजम फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए यूज किया जाएगा। और ये किया, ये किस में प्लेज की गई, जो हैदराबाद की जो कन्वेंशन हुई बायोडायवर्सिटी की, सीबीडी की जिसको बोलते हैं, 11th कन्वेंशन। ये कहते हैं इसमें देखिए क्या क्या बोला गया, फंड को यूटिलाइज किया जाएगा टेक्निकल और ह्यूमन कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नेशनल और स्टेट लेवल मैकेनिज्म के तहत, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कंट्री हैज ऑल्सो एम्बार्क फंड टू प्रमोट जो सिमिलर कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और कंट्रीज में जो है उसको बढ़ाने के लिए भी जो है कमिटमेंट की गई। और ये कहते हैं इंडिया फॉर्मली टुक चार्ज ऑफ द प्रेजिडेंसी ऑफ सीबीडी फ्रॉम जापान टू नेक्स्ट 2 ईयर, ठीक है, वो पुरानी बात है, तो इसको कोई जरूरी नहीं है। बस यही है कि सीओपी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 11 हुई हैदराबाद के अंदर, तो उसके अंदर क्या आउटकम आया कि फ्लो जो है वो डबल करना है, और 2020 तक जो है 1,50,000 करोड़ के करीब जो है डेवलपिंग कंट्रीज को देना है पैसा, ताकि वो फाइनेंशियल फ्लो जो उनको मिले, ताकि वो बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सके, राइट। तो ये पूरा इसके अंदर इतना ही था, इसके अलावा कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, पूरे पार्ट के अंदर। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलते हैं, इंटरनेशनल जो वेलिंग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।